में होता है क्या कि जब समुद्र उन लोग को लगना होता है, पत्थर को क्या कर देता है, फेंकता है, जो भी है रखता है, नील जो था वो लोग नल नील डूबता नहीं था, नहीं डूबता था। तो अब ये चीज़ पूरा एकदम पूरा चर्चा राम का होने लगा। तो ये खबर जब श्रीलंका हुआ, श्रीलंका का आदमी सब डरने लगा, मतलब लंका अभी श्रीलंका है, तो सब आदमी सब डरने लगा, डरने लगा, अरे क्या, सबको क्या क्या बोलने लगा, कैसा हो गया वहाँ का, उन लोग कितना मायावी, हम लोग तो राक्षस है, लंका वाला सब राक्षस कहलाता था, हम लोग तो राक्षस है, लेकिन वो लोग देखो राम का जो सेना है या दुश्मन सेना जो भी है, वो लोग कितना मायावीर हैं कि पानी पे पत्थर डाला और क्या होने लगा, तेने लगा। तो सबको डरने लगा वहाँ का सैनिक सभी, नहीं नहीं हम लोग नहीं लड़ने जाएंगे, युद्ध नहीं करने जाएंगे। और रावण वो सोचता अगर सेना मेरा डर जाए, सेना डरने लगा कि हम लोग कैसे युद्ध करने जाएंगे, जब वहाँ उधर का मायावीर है तो हम लोग को देख के बार में तो सब सपाचट कर देगा। तब राम जो रावण है वो बोलता है चलो हम भी तैरा के दिखाते हैं, पत्थर हम भी तैरा के दिखाते हैं। तो वो बोलता है अगर तैरा के दिखा, सेना से बोलता है अगर तैर जाएगा पत्थर तब तो हम लोग युद्ध आराम से करेंगे। तो रावण ले गया और पत्थर डाला, पत्थर भी तैरने लगा उधर का। अब तो पूरा आश्चर्य वाली बात है, पूरा आश्चर्य वाली बात है, कह रही भाई उधर तो राम का तो नहीं है डूबा, वो कहीं में इधर से भी नहीं डूबा, क्या बात है, क्योंकि पत्थर तो अभी तो डूब ही जाएगा। तब रावण को मंदोदरी जो उसका वाइफ का नाम था वो पूछता है कि ये आपके पास तो आप अपना शक्ति से तो नहीं डूबा सकते हैं, मतलब तैरा नहीं सकते हैं, ये तो हमको 100% विश्वास है, कैसे नहीं डूबा ये बताइए, कैसे तैरने लगा। तो रावण जो है वो बोलता है कि हम पत्थर जब डाल रहे थे ना तब हम बोले तुझे श्री राम की सौगंध है यदि तुम डूब गए तो, मतलब हम उसको श्री राम को वास्ता दे दिया था, अब कैसे डूबेगा वो।